दोस्तों, क्या आप भी WWE की फाइट देखना पसंद करते हैं? अब भला इतने बड़े बड़े और खतरनाक लोगों को देखना किसे अच्छा नहीं लगता? अब भला आप खुद ही सोचिए, अगर आपके आसपास कोई 7 फीट लंबा या फिर 400 किलो वजन का आदमी आ जाए तो क्या होगा? भले ही कुछ हो या ना हो, लेकिन वो आदमी एंटरटेनमेंट का कारण जरूर बन जाएगा। जरा आप भी इनको देख लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे, ये तो मिस्टर और मिसेस 420 फिल्म के कालू भाई हैं, लेकिन असल जिंदगी में भी ये किसी जायंट मैन से कम नहीं। इनका शरीर इतना बड़ा और भारी था कि एक बार हवाई जहाज वालों ने भी इन्हें अपने हवाई जहाज में बैठाने से मना कर दिया। इनके बारे में आगे पूरी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए और अगर फुल मजा आ जाए तो यार लाइक तो बनता है भाई। अब जब बात ताकत की है तो अपने खली कहाँ पीछे रहने वाले हैं, तो हम इस वीडियो में खली का पूरा इतिहास भी जानेंगे। और ये आदमी तो इतना लंबा है कि आप सोच भी नहीं सकते, स्कूल वालों को इनके लिए अलग से बेंच बनवाना पड़ा था तब कहीं जाकर ये भाई साहब आराम से पढ़ाई कर पाए। वैसे अर्थी को कंधा देने के लिए 4 लोग ही काफी होते हैं, लेकिन इन भाई साहब को तो ले जाने के लिए 15 लोगों की जरूरत पड़ गई। और अगर आपसे कहा जाए कि खली को एक बीमारी थी जिसकी वजह से उनकी लंबाई और बॉडी की ग्रोथ जरूरत से ज्यादा बढ़ गई, तो शायद आप इसे कोरी बकवास कहेंगे, लेकिन ये बिल्कुल सच है। और आज हम आपको कुछ ऐसे अविश्वसनीय लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपनी लंबाई और विशालकाय बॉडी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। मैनी यार बोरो, इनका जन्म 5 सितंबर 1964 को हुआ था और 21 दिसंबर 2015 को इन्होंने अंतिम सांस ली थी। अगर आपने मिस्टर और मिसेज 420 मूवी देखी होगी तो आपको जरूर याद होगा, इन्होंने अक्षय कुमार को उठा उठा कर पटका था। सिर्फ मूवी में ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी मैनी किसी भी आम इंसान को बड़ी आसानी से हवा में गेंद की तरह उछाल सकते हैं। इनकी हाइट 6 फीट 8 इंच है और वजन 400 किलोग्राम से ज्यादा है। ये किसी आम इंसान के मुकाबले 5 गुना ज्यादा है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इस इंसान का वजन 400 किलो था तो फिर ये कितना खाना खाता होगा। तो हम आपको बता दें कि मैनी यारबोरो बचपन से ही बहुत ज्यादा खाते थे और खाने के शौक के चलते इनका वजन बढ़ता गया। इन्हें खाना खाने का बहुत शौक था। जब कभी भी वो अपनी कार से नहीं जाते थे तो ड्राइवर के बगल में बैठकर पिज्जा खाया करते थे। हम कह सकते हैं कि इन्हें खाना खाने की लत लग चुकी थी और इसी वजह से इनका शरीर भारी भरकम हो गया। लेकिन इसी भारी भरकम शरीर से इन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया। मैंने इतना ठूस ठूस कर खाते थे कि महज 14 साल की उम्र में इनका वजन 150 किलो से ज्यादा हो गया। इसी वजह से लोग इनका मजाक भी उड़ाया करते थे और इन्हें तरह तरह के नामों से पुकारा करते थे, जैसे गोलू, कालू, मोटू। मैनी यार बोरो जितना पैशनेट खाने के लिए हुआ करते थे, उतने पैशनेट फुटबॉल के लिए भी हुआ करते थे। अपना स्कूल खत्म होते ही इन्होंने मॉर्गन स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और यूनिवर्सिटी की फुटबॉल टीम में अपनी जगह बना ली और देखते देखते फुटबॉल टीम के सबसे खतरनाक प्लेयर बन गए। फुटबॉल में इन्हें हरा पाना काफी मुश्किल था। ये फुटबॉल खेलने में इतना माहिर थे कि 1991-92 में इन्होंने फुटबॉल में फर्स्ट डिवीजन मैच जीता था। लेकिन कहते हैं ना कि समय के साथ इंटरेस्ट भी बदल जाता है, और इनके साथ भी यही हुआ। कॉलेज खत्म होते ही फुटबॉल से इनका मन भर गया और इन्होंने जूडो में अपना करियर बनाने की ठान ली। योशिशादा योनेजुका में इन्होंने जूडो की ट्रेनिंग करना शुरू कर दी। आखिर मेहनत रंग लाई और मैनी ने जूडो में भी महारत हासिल कर ली और अमेरिका के नेशनल टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल जीत लिया। इस जीत से इनका कॉन्फिडेंस और अधिक बढ़ गया और इन्होंने जूडो में ही अच्छा करने की ठान ली। इसके बाद उन्होंने 1992 में अमेच्योर सुमो कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया और सिल्वर मेडल अपने नाम किया। इसके बाद उन्होंने 1992 से 1994 तक कई सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते, पर ये गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए। फिर क्या था, इन्होंने अपना वजन और बढ़ाना शुरू कर दिया और ठूस ठूस कर खाने लगे, जिससे इनका वजन 150 से बढ़कर 400 किलो तक हो गया। इतना ज्यादा वजन होने के कारण ये ठीक से चल भी नहीं पाते थे, लेकिन इसी ज्यादा वजन के कारण इनका नाम 1995 में जापान से बाहर सबसे भारी एथलीट के नाम से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। कुछ सूत्रों की माने तो इनका वजन और आकार बहुत ज्यादा था, इसलिए कुछ फ्लाइट वालों ने इनकी हवाई यात्रा पर बैन लगा दिया था। एयरलाइन कंपनीज का मानना था कि बड़े आकार का शरीर होने के कारण ये 2 लोगों की जगह घेरते हैं, लेकिन बाद में ये बैन हटा दिया गया। पर एयरलाइंस कंपनीज ने शर्त रखी कि अगर 1 सीट की बजाय 2 सीटों का किराया देंगे तो इन्हें हवाई यात्रा करने दी जाएगी। खैर जो भी हो, मैनी एक कमाल के एथलीट थे। उन्होंने कई प्रोफेशनल रेसलिंग में हिस्सा लिया और पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया। इसके साथ ही उन्होंने फिल्मों में भी काम किया
1992 में अक्षय कुमार के साथ मिस्टर और मिसेस 420 तथा 2000 में आई फिल्म सुमो और ब्रूनो में अपना रोल प्ले किया। ज्यादा वजन होने के कारण मात्र 51 साल की उम्र में इन्हें हार्ट अटैक आ गया और इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। खली, नाम तो सुना ही होगा। खली का जन्म 27 अगस्त 1972 को हुआ था। इनका असली नाम दिलीप सिंह राणा था। दिलीप सिंह राणा ने अपने करियर की शुरुआत में ही दुनिया के सबसे खतरनाक और जाने माने रेसलर अंडरटेकर को धूल चटा दी थी और यहीं से दुनिया इन्हें खली के नाम से जानने लगी। इनकी हाइट 7 फुट 1 इंच और वजन करीबन 158 किलोग्राम है। खली एक बहुत ही गरीब फैमिली में पैदा हुए और उनके परिवार का खर्चा चलाने के लिए खली एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी किया करते थे। पर खली की लंबाई बहुत ज्यादा थी और अपने भारी भरकम शरीर के कारण वो हमेशा लोगों को अट्रैक्ट करते थे। और इसी तरह एक बार पंजाब के एक पुलिस ऑफिसर की नजर खली पर पड़ गई और उस ऑफिसर ने खली को पंजाब पुलिस में नौकरी करने का ऑफर दे दिया। पर खली हिमाचल छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने नौकरी करने से मना कर दिया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि खली की लंबी चौड़ी बॉडी की वजह से उनकी अच्छी डाइट नहीं बल्कि एक बीमारी है जिसका नाम गिगेंटिज्म है। इस बीमारी की वजह से इंसान की बॉडी में ग्रोथ हार्मोन बहुत अधिक मात्रा में रिलीज होते हैं और बॉडी ग्रोथ भी आम लोगों की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ती है। खली को भी यह बीमारी थी जिसकी वजह से उनका लंबा चौड़ा शरीर हो गया। उस पंजाब पुलिस ऑफिसर ने दोबारा से खली को कॉन्टैक्ट किया और इस बार खली के साथ साथ खली के छोटे भाई को भी पंजाब पुलिस में जॉब का ऑफर दे दिया। बिना ट्रेनिंग और एग्जाम के दो दो सरकारी जॉब मिल रही थी, इसलिए खली मना नहीं कर पाए और पंजाब पुलिस ज्वाइन कर ली। पंजाब पुलिस ज्वाइन करते ही खली को रेसलिंग में भी इंटरेस्ट आने लगा और उन्होंने अपनी जॉब के साथ साथ प्रैक्टिस शुरू कर दी। खली ने 2000 में अमेरिका की APW यानी ऑल प्रो रेसलिंग से अपने रेसलिंग करियर की शुरुआत की। खली की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2001 में एक रेसलर ने खली के हाथों मार खाकर रिंग में दम तोड़ दिया था और इसके बाद तो पूरी दुनिया में खली का खौफ हो गया। एक के बाद एक लगातार अच्छी परफॉर्मेंस के बाद खली ने 2006 में WWE का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और अपनी पहली फाइट में मशहूर अंडरटेकर को हरा दिया। और इसी फाइट के बाद दुनिया दिलीप सिंह राणा को द ग्रेट खली के नाम से पुकारने लगी। उनका यह दबदबा 2017 तक चला जिसमें खली ने कई WWE चैंपियनशिप और टाइटल बेल्ट अपने नाम किए। खली ने रेसलिंग के साथ साथ कई बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों में काम किया। इसके अलावा उन्होंने पंजाब में अपना एक रेसलिंग स्कूल भी खोला है। इस समय खली अपनी फैमिली के साथ लग्जरी समय स्पेंड कर रहे हैं। रॉबर्ट वैडलो, इनका जन्म 22 फरवरी 1918 को हुआ था और इन्होंने 15 जुलाई 1940 को ही दुनिया को अलविदा कह दिया। रॉबर्ट वैडलो महज 13 साल की उम्र में दुनिया के सबसे लंबे इंसान बन चुके थे। इनकी हाइट 8 फीट 11 इंच थी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये इंसान कितना लंबा था। रॉबर्ट वैडलो की हाइट बचपन में ही बहुत तेजी से बढ़ने लगी थी, इसलिए उनके प्राइमरी स्कूल में उनके लिए एक बड़ी बेंच बनवानी पड़ी थी। महज 8 साल की उम्र में अपने पिता से भी ऊंचे हो गए। उनके हाथ पैर इतने बड़े थे कि पूरे शहर में उनके साइज के जूते नहीं मिलते थे। ज्यादा लंबाई होने की वजह से रॉबर्ट वैडलो को चलने में बहुत दिक्कत होती थी। अमेरिका के मशहूर सर्कस हाउस को जब बात पता चली तो उन्होंने रॉबर्ट को अपने सर्कस में फ्रैंक शो करने के लिए बुलाया, पर वे वहां नहीं गए। 1938 में रॉबर्ट वैडलो ने एक शू कंपनी को इंडोर्स किया। इस कंपनी ने रॉबर्ट वैडलो को फ्री में जूते और पैसे भी दिए। इसके बाद रॉबर्ट वैडलो के शरीर में एक इन्फेक्शन फैल गया जिससे उनकी बॉडी का इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया और उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना पड़ा। लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन इतना दर्दनाक था कि रॉबर्ट वैडलो उस दर्द को झेल नहीं पाए और समय से बहुत पहले ही 1940 में उनकी मौत हो गई। मरने के बाद भी रॉबर्ट वैडलो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर गए। मरने के बाद उनके लिए बनाया गया ताबूत 10 फीट 9 इंच लंबा था जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। विकास उपल, 1 जनवरी 1986 से 30 जून 2007। अगर आपने आमिर खान की फिल्म रंग दे बसंती देखी है तो आप इस लंबू को जरूर जानते होंगे। इनका नाम विकास उपल है। रंग दे बसंती के एक दंगल सीन में विकास उपल को आमिर खान के साथ फिल्माया गया। विकास का जन्म हरियाणा के रोहतक जिले में हुआ था। इनकी हाइट 8 फीट 3 इंच थी। विकास को बहुत छोटी उम्र में ब्रेन ट्यूमर हो गया और इसी के चलते वो मात्र 21 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए। सुल्तान कोजेन का जन्म दिसंबर 1982 को हुआ। सुल्तान तुर्की के रहने वाले हैं और किसान फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। इनकी हाइट 8 फुट 2 इंच से भी ज्यादा है और ये दुनिया के सबसे लंबे इंसान होने का खिताब भी अपने नाम कर चुके हैं। सुल्तान को स्पोर्ट्स खेलने में इंटरेस्ट था
लेकिन इनकी हाइट किसी भी स्पोर्ट टर्म एंड कंडीशन में फिट नहीं बैठती थी, इसलिए उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। दोस्तों, ये सब दुनिया के सबसे स्पेशल इंसान हैं, इसलिए इनकी कहानी भी बहुत बड़ी और लंबी है, जिसे एक वीडियो में बता पाना संभव नहीं। लेकिन ऐसे अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।